राजस्थान जनमंच पक्षी चिकित्सालय। देखो खून से सने हुए हाथ, यह हमारी ही वजह से हुआ है मित्रों। हमने मांझे का प्रयोग कर इन बेचारों को तकलीफ पहुंचाई है। पक्षी चिकित्सालय, यहाँ सभी लोग मिलकर दयापूर्ण जीव की सेवा करते हैं। वाव, इतने सारे हेल्पिंग हैंड्स। अगर यह वॉलंटियर्स ना हो तो इन जीवों का क्या होगा, वो भी राजस्थान जनमंच के इतने डेडिकेटेड वॉलंटियर्स। वाव, आई एम ग्लैड टू गेट सच वॉलंटियर्स एंड सच ब्यूटीफुल एंड हेल्पफुल। बाकी लोग बाहर, जिनकी ड्यूटी है बाहर जाइए। एक बार से छोड़ो इसको, इधर इधर इस कोने में छोड़ दो। वो बॉक्स बाहर निकाल लो, बॉक्स जगह रोक रहा है। बॉक्स में क्या बॉडी है क्या भैया? डेड बॉडी है क्या बॉक्स में? काटे, देखा मैंने सामने वाली की। तो उसको बाहर रखो, बाकी कबूतरों को मत दिखाओ, से तो उनको पीड़ा होती है। इसको अलग दिखाओ। अगर मेरे मांझे की वजह से या मेरे पतंग उड़ाने की वजह से इन्हें दर्द पहुँचता है तो मैं ये नहीं करूँगी। एक और हेल्पिंग हैंड, देखो इस ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान जनमंच ने। यार इतने दिन पिंजरे में क्यों, पांच आदमी हो, कबूतर सारे डरे, यहाँ कर रहे हो, क्यों करना है आपको, बाहर आओ सब लोग। पक्षियों के कलेक्शन के लिए और इंजर्ड बर्ड्स के लिए। अरे इसके तो पैर में बहुत सारा मांझा फंसा है बेचारा, मुझे यह देख के बहुत दुख पहुंच रहा है, कितनी पीड़ा हो रही होगी बेचारे को, जरा सोचिए। पट्टी वापस खोल दो। राजस्थान जनमंच के वॉलंटियर्स ने इस बार फिर हजारों परिंदों को बचाया है और इनके पट्टी बन गई है। 10 मिनट के अंदर पट्टी खोलना, पट्टी वाले अलग रखो। अच्छा तो मैं समझ गई, इस पक्षी में तो किसी और सेंटर से भी बहुत सारे पक्षी आए हैं, सही हाथों में आए हैं। राजस्थान जनमंच पक्षी चिकित्सालय में आए हैं, अब इनकी जान बच जाएगी। अच्छा? ओ, इतना बड़ा और खतरनाक पक्षी, तो क्या हुआ, हम इसकी भी सेवा करेंगे और आशा करते हैं जल्दी ठीक हो और अपनी फैमिली के पास वापस चला जाए। क्या इसकी चादर होनी चाहिए सारे? कोई बात नहीं। अच्छा, दरअसल इनके गर्दन में एक बीमारी होती है और यह अपने परिवार के पास जल्दी जाएंगे। बात तो करेंगे, ये लेके जाना जल्दी खोल देना इसकी पट्टी, फिर पट्टी ज्यादा देर मत रखना है ना। करो शिफ्ट करो, लेटर लेटर शिफ्ट करो, शिफ्ट करो पिंजरे में।